आप देख रहे हैं वंडर साइन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। ये वीडियो में आपको दिखेगा कि कितना खर्चा हुआ है पिछले एक महीने में। स्पीति से आके एक महीने के ऊपर हो गया और इस एक महीने में बहुत कुछ हुआ। जैसे कि मैं बहुत जेलस था कि ठाकुरन जी के फोन से इतने अच्छे अच्छे फोटो जा रहे हैं उसके इंस्टाग्राम पे, उसके इंस्टाग्राम पे मेरे इंस्टाग्राम जितने लाइक्स आ रहे हैं, इसलिए सबसे पहली चीज मैंने अच्छा एक फोन लिया। ये रहा पहला खर्चा, वन प्लस 70। पता नहीं ऐसी क्यों बात कर रहा हूँ, चलिए नॉर्मल होते हैं। इन 3, 2, 1 ऑलराइट। सो बहुत गर्मी है मुंबई में। सो जैसे कि सबसे बड़ा खतरा रहता है पंचर का, आप लोगों को तो मैंने बताया है, लेकिन पंचर जांचने के लिए बेसिकली अपना जो टायर का प्रेशर होता है वो जांचने के लिए मेरे पास डिवाइस था नहीं। हमेशा थोड़े ना इन्फ्लेटर लेके लगाएंगे और चेक करेंगे पूरा, वो तामझाम करेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने खरीदी है, ये रहा एक टायर प्रेशर मेजरमेंट का गेज, काफी इंटरेस्टिंग है। मीटर वाला एक्चुअली एक्यूरेट रहता है, इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है। और इसको क्विक रिलीज, ये बटन भी है ताकि आपका हवा अगर टायर का ज्यादा हो तो यू कैन रिलीज इट लाइक दिस एंड इसको आप अंदर डालोगे तो एक मेजरमेंट आ जाएगा, एकदम सटीक मेजरमेंट है। सो बहुत बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, ज्यादा कुछ महंगा है नहीं, आई थिंक 400 रुपए का था। इफ यू वॉन्ट इट आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंडली, मेन चीजों पे आने के पहले छोटी छोटी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। थर्डली, जो मेरे पास चार्जर था बोट का, जो USB सिगरेट लाइटर वाला चार्जर था मेरे वर्सेस को लगता है, उसको खराब हो गया था। पता नहीं इसका फास्ट, उसको दो पोर्ट था, सो बेसिकली फास्ट पोर्ट उसका काम नहीं कर रहा था। दैट इज द रीजन आई सबमिटेड कंप्लेंट एंड इमिजिएटली उन्होंने एक बंदा भिजवा दिया और वो लेके गए, उसको टेस्टिंग किया, क्या पता नहीं क्या किया, और एक नया वाला हमको भिजवा दिया। सो वेरी वेरी नाइस सर्विस बाय बोट। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट आई अप्रिशिएट द सर्विस, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इतनी अच्छी सर्विस मुझे कभी मिली नहीं। आई थिंक 7-10 दिन में रिप्लेस होकर नया आ गया, वेरी नाइस। एंड यस, दिस इज द फास्ट चार्जर, सो इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस, इसको भी मैं नीचे दे दूंगा। काफी अच्छा चार्जर है, मैंने काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड माई फोन चार्जेस फास्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। अपना जो इंटरकॉम डिवाइस है, जो वार्तालाप करने का डिवाइस है अपने अपने हेलमेट में, वो है सेना SMH5। सो ये मैंने बुलाया था आई थिंक 2 साल पहले। ये खराब नहीं हुआ है, ये अच्छा चल रहा है, सिर्फ थोड़ा सा इसका बैटरी डाउन हो गया, थोड़ा सा, आई मीन अभी भी 10-12 घंटे चल जाते हैं, बट पहले बहुत ज़्यादा चलता था। पहले इट वॉज लाइक 18 आवर्स 19 आवर्स, मैंने तो 20-20 घंटे का राइड इस पर किया है विदाउट चार्जिंग। सो जैसलमेर राइड फॉर एग्जाम्पल, बहुत गैस हो गया मेरे को। एंड उसके बाद मैंने एक चाइनीज इंटरकॉम बुलाया फॉर गायत्री ठाकुरन जी, और उसका आया ही नहीं, पता नहीं वापस चला गया, रिटर्न हो गया, वापस से ऑर्डर किया, वापस से रिटर्न हो गया। मैंने सोचा छोड़ो यार, अच्छा क्वालिटी का रखते हैं ये, मैं उसके हेलमेट में लगा देता हूँ। और मेरे लिए मैं नया सेना सोच ही रहा था काफी टाइम से, एक लेवल ऊपर जरूरी है। सो दिस इज द वन सेना टेनेस। ये एक्चुअली मेहता साहब के पास यही है, मैंने भी यही लिया बिकॉज ये मोर देन इनफ है। आई यूजुअली गेट दिस थिंग्स फ्रॉम US, मेरे फ्रेंड्स या मेरे बहन कोई ना कोई आते रहता है, सो मैं उन लोग से बुलवाता हूँ, थोड़ा सस्ते में पड़ जाता है। आई कॉट दिस फॉर अराउंड 12,000 रुपीज, इंडिया में कितना है आई थिंक 16-17 हज़ार का कुछ है। उसके पहले एक दूसरी चीज देख लेते हैं जो कते ही इंपॉर्टेंट थी मेरे स्पीति राइड के पहले, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाई। वो चीज़ मैंने यहाँ पे किसी 2-3 बंदों को बनाने के लिए बोली, बट वो लोग भी नहीं बना पाए इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब इस पीटी राइड हो गई है, मेरा दोस्त आ ही रहा है US से, तो US से मंगा लेते हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें ना साले US में बहुत कुछ मिलता है यार, इंडिया में ना। बेस्ट प्लेट फॉर वर्सेस, मेरी वर्सेस 300 जो तेंदुआ हैशटैग तेंदुआ, उसके लिए बेस्ट प्लेट मंगाई है, T-Rex बेस्ट प्लेट। ये देखो काफ़ी बड़ा यूनिट है, मतलब दिस इज द बेस्ट प्लेट स्पेशली डिजाइन फॉर वर्सेस 300 मेरी वाली बाइक। ये लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये ऐसा लगेगा, अगर हेडलाइट इधर है तो ये ऐसा लगेगा। और जो साइड का प्लास्टिक का पार्ट है, पैनल है, इंजन का केसिंग, वो उसको निकालने की जरूरत भी नहीं है। सो स्पेशली डिजाइन फॉर वर्सेस 300 हैशटैग तेंदुआ।
इसकी ब्रांडिंग भी काफी अच्छे से की गई है। इसको मैं भी निकाल नहीं रहा हूँ बिकॉज इसको इंस्टॉल करूंगा सर्विसिंग के टाइम पे। अभी एजीवे सेकंड सर्विस थर्ड सर्विस आने वाली है। सो उसके ब्रैकेट तीन, सो आई थिंक ये इधर एक ब्रैकेट लगेगा, इधर एक लगेगा और एक सेंटर से ऐसा आएगा और इसको लगेगा, ऐसा कुछ है। क्योंकि अपने को ना वर्सेस लंबा चलाने का है। अब वर्सेस ऐसा एक दो साल के लिए मैंने लिया नहीं, उसको लंबा चलाने का है, उसको पूरा इंडिया घुमाने का है, पॉसिबली बाहर घुमाने का है, बट उसको चलाने का है। क्या वो ख्वाब है जब मैं मेरी गाड़ी पे 1,00,000 किलोमीटर करूंगा? अभी आप लोग बोल रहे रहेंगे कि क्या ये घर में बैठे बैठे वीडियो बना रहा है। अरे यार, सब चीज़ें आपको दिखाने की थी, दैट्स द रीज़न वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर आप लोग ही बोलते हो कि सर ये नहीं बताया, इसका वीडियो नहीं बनाया, फिर उसका लिंक नहीं दिया, ये वो। सो उससे अच्छा मैं एक महीने में जो चीज़ें हुई है वो आपको बता रहा हूँ। सो चलो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं वो सेना का और देखते हैं उसके अंदर क्या है। एक्चुअली मैं 2 दिन रुका ये वीडियो शूट करने के लिए, नहीं तो मेरे हाथ ऐसे खुजली कर रहे थे कि कब मैं इसको अनबॉक्स करूँगा और कब मैं इसको यूज़ करूँगा। चलो अभी, अरे यार अपने पास अभी कुछ अनबॉक्सिंग सेटअप तो है नहीं, सो जैसे है वैसे ही काम चलाएंगे। कहाँ से खोलूँ इसको, क्या कैसा अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं। सो बस इतना इसको खोलेंगे और बाकी हाथ से निकाल लेंगे। इसको रखता हूँ मैं बाजू में बिकॉज कुछ होगा तो लेने के देने ना पड़ जाए। ऑलराइट। सो अनबॉक्सिंग का जो स्मेल होता है वो अभी आपको तो नहीं मिलेगा, बट मैं उसका एक एंजॉय कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, वाओ, थोड़ा बहुत ऐसा वन प्लस के बॉक्स जैसा लग रहा है ना, आई मीन नहीं थोड़ा बहुत, या ओहो माशाल्लाह, क्या है ये स्पंज, ओ माय गॉड, देखा ना, दिस इज सम नेक्स्ट लेवल पैकेजिंग। क्या बॉस, मतलब क्या क्वालिटी देता है ना सेना। चलो अभी जय गणेश करते हैं इसका। ये रहा हमारा नया इंटरकॉम। अभी आगे की सब बातें, जो भी हम फालतू की बातें करते हैं, जो भी हम गाने सुनते हैं, सब कुछ अभी इस पे होगा। ये आता है इसके साथ, तो ये प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ है। इसके साथ दो टाइप के माइक आते हैं, एक है बूम माइक, ये रहा, और एक है वायर्ड माइक जो इसके अंदर ही होगा। नीचे हमको मिलता है, ओह माय गॉड, ओहो गाड़ी का चार्जर भी मिल गया रे, नाइस। ये है नॉर्मल हमारी यूएसबी केबल, वापस रख देते हैं इसको अंदर ही बिकॉज फिलहाल उसका कोई हमें काम नहीं है। इसके अंदर हमें मिल रहा है कुछ बुकलेट्स जो हम कभी, हाँ इसको पढ़ने को काम पड़ेगा शायद से। और ये रहा पूरा माउंटिंग किट, तो इसमें है वायर्ड माइक और पूरा जो माउंटिंग का ऑप्शंस है वो भी है। ऑक्स केबल भी है, इसको ऑक्स केबल से हेडफोन्स भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, विच आई डोंट नो क्यू, मतलब आई थिंक म्यूजिक सुनने के लिए या होगा उसको कुछ रीज़न, बट बढ़िया है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई चलो बैश प्लेट की जरूरत समझ में आती है, टायर प्रेशर गेज की भी जरूरत समझ में आती है, चार्जर की भी जरूरत समझ में आती है, चलो ये तो रिप्लेसमेंट मिल रहा है, अब चलो मान लो फोन की भी जरूरत समझ में आती है, लेकिन ये इंटरकॉम होने के बावजूद इसकी जरूरत समझ में आती है? तो चलो आपको मैं इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। ब्लूटूथ 4.1, आहा उसमें था ब्लूटूथ 3.0, क्या फर्क पड़ता है। 4-way इंटरकॉम, उसमें 2-way इंटरकॉम था, दो ही लोग बात कर सकते थे, इसमें 4 लोग बात कर सकते थे। 1.6 किलोमीटर ऑफ रेंज, वाह उसकी तो सिर्फ 500 मीटर थी, ये भी जरूरत समझ में आती है। स्मार्टफोन ऐप और iOS एंड एंड्रॉयड, क्या बात है। म्यूजिक शेयरिंग, ये मुझे पता नहीं इसकी जरूरत है क्या, बट ऐसे भूले भूसरे गीत सुनते सुनते हम कभी राइड भी कर सकते हैं, अपना म्यूजिक शेयर कर सकते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं बट करेंगे। एडवांस नॉइस कंट्रोल, क्या बात, कैन बी यूज व्हेन चार्जिंग ऑन रोड ट्रिप्स, ये तो हमारा पुराना सेना भी कर सकता था। वाटर रेजिस्टेंस,
वाह क्या बात है, बिल्ट इन एफएम ट्यूनर। आज कौन एफएम सुनता है? ऑप्शनल सेना रिमोट कंट्रोल सपोर्ट नॉट इंक्लूडेड, तो लिखा क्यों है? तो मैं बताता हूँ इसकी जरूरत क्यों है। वेल, मेरा जो पुराना सेना है वो मैं ठकुराइन जी को देने वाला था, इसीलिए वो उसके हेलमेट पे जाएगा और मेरे लिए बेटर सेना आएगा, क्योंकि रेंज बढ़ जाएगी, बैटरी इसकी ज़्यादा टिकेगी, उसकी बैटरी ज़्यादा टिकती नहीं है, एंड अपग्रेड करने की खुजली, वही रीज़न काफ़ी। तो इस तरह से वही हमारी दिवाली की, हमारी क्या, मेरी दिवाली की शॉपिंग काफ़ी खर्चा हुआ है बॉस, काफ़ी खर्चा हुआ है। मम्मी को बताया तो मम्मी तो जो मेरे को डांटने लगती, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, सेविंग कर, फ्यूचर में काम आएगा, ऐसा वैसा। चलो वो भी सही है यार, ये भी तो सही है ना। ऑल्सो जब मैं स्पीति से आया था, मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ चीज़ें स्पीति में खरीदा है, वो आपको दिखाऊंगा आराम से, गिरेगा नहीं ना। एक्चुअली फॉरगॉट, अभी वीडियो एंड करने के टाइम मुझे याद है कि मैंने वो शॉपिंग जो की थी काजा में, तो एक्चुअली क्या की थी, और ऑल्सो मनाली में भी थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया था। सबसे पहले तो फ्लैग्स, ये तो सबको पता है, जो बाइक पे लगाते हैं, थोड़े बड़े हैं क्योंकि घर पे डेकोरेशन करना था मैडम को, सो एक जगह पे किया भी है। सेकेंडली ये मैंने लिया है बिकॉज आई एक्चुअली लाइक दिस थिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है। एक महीना हो गया अभी तक घर पे लगाया नहीं है, बस लेके रखा है, लगाने का कोई नामो निशान नहीं है बिकॉज आलस। सो देख लो, सच अ ब्यूटिफुल थॉट ऑन ईच पेज, फोकस करके आप पढ़ पा रहे हो, ये देखो। थोड़ा घर के लिए सामान लिया, वो घर पे दे दिया, यू नो फैमिली, मतलब मम्मी के लिए भी लिया था और बहन के लिए और दो थिंग्स। ये एक स्वीट होम वाला की होल्डर लिया है जिसको भी लगाना बाकी है, वो भी पेंडिंग है, बट कर लेंगे होपफुली। वेल, लेट मी नो आपको टी शर्ट कैसा लगा है। काफी लोगों ने टी शर्ट खरीदे, इनफैक्ट मैं फ्रेंकली आपको बताता हूँ, वी हैव शिप्ड मोर देन 50 टी शर्ट्स टू आवर सब्सक्राइबर्स, 50 से ज्यादा लोगों ने टी शर्ट खरीदे हैं, 5 कलर्स ये रहे स्क्रीन पे, बहुत लोगों को पसंद आई है डिजाइन। आप बताओ मुझे कमेंट्स में डिजाइन कैसी है, थोड़ा पसीना है, सॉरी फॉर दैट। एंड इफ यू वांट टू बाय द टी शर्ट, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और माय फेसबुक पेज। इंस्टाग्राम पे करोगे तो बेटर है बिकॉज फिर मैं इजीली उसको रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर कमेंट ऑन बिलो विथ योर ईमेल आईडी ताकि मैं आपको ईमेल भेजूँ, या कॉन्टेक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी wondersen.tv@gmail.com। प्राइस इज 399 रुपीज इंक्लूडिंग शिपिंग इन इंडिया। इंटरनेशनल लोग काफी पूछ रहे हैं, नेपाल से इंक्वायरी आ रही है, कनाडा से इंक्वायरी आ रही है, बट आई डोंट नो, मैंने थोड़ा कॉन्टैक्ट किया एक दो जगह पे, बट इंटरनेशनल शिपिंग रेट्स बहुत ज़्यादा है, सो राइट नाउ आई एम सॉर्टिंग थिंग्स आउट। ऑल्सो वी हैव पार्टनर्ड, अपना जो लॉजिस्टिक्स है ये टी शर्ट का, वी हैव पार्टनर्ड इट विद पिक मी एक्सप्रेस, जो एक कुरियर सर्विस है बेस्ड इन ठाणे, उनका एक हेड ऑफिस इन ठाणे है, सो वी हैव कोलैबोरेटेड विद देम एंड दे आर आर लॉजिस्टिक्स पार्टनर फॉर आर चैनल, फॉर आर टी शर्ट, फॉर आर मर्चेंडाइज। आगे भी बहुत सारी चीज़ें आने का, लाने का मैं सोच रहा हूँ, वी आर वर्किंग ऑन इट, बट यस अब तक की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग जिन्होंने टी शर्ट खरीदा है प्लीज लेट मी नो कि आपको डिलीवरी टाइम पे आई है क्या, आपको ट्रैकिंग नंबर आया है क्या, एंड ऑल्सो आपको डिलीवरी, मतलब उसका सर्विस कैसा लगा था, सो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताओ या फिर मुझे टैग करो। हाँ, जो टी शर्ट खरीद रहे हो वो मुझे टैग तो करो यार, मुझे पता तो चले आप लोग टी शर्ट पहन के किधर जा रहे हो। अपने 2-3 सब्सक्राइबर ने राइड भी कर लिया टी शर्ट पे और कुछ लोगों ने फोटो मुझे भेजे, प्लीज टैग कर दो। दैट्स इट, मिलता हूँ गाइस आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, एंड राइड, लंबी राइड, अभी थोड़ा एक डेढ़ महीना थोड़ा रुक जाओ, लंबी राइड हम लोग करेंगे, बट अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंटेंट है जो आता रहेगा, खुशियाँ हम बांटते रहेंगे, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, खुश रहो, आबाद रहो, बोल दिया मैंने। कब आएगी रे बाबू मुंबई में ठंडी।